Nirbhaya has gone, and with her death has gone that one shining light of a family who is now remembered as Delhi's Braveheart. Has her sacrifice made any change to the society? And are there any changes in the mentality? We asked this question to the father of Nirbhaya, who in a special interview to NNIS on the second anniversary of 16 December gang rape said, speaking of change, the recent Uber rape had thrown the country back in time, leading to confirmation that the rapist, even to this day, is fearless. समय अनुसार हमें भी लगता था कि बहुत कुछ बदल जाएगा, चाहे बहुत कुछ बदला है मेरे को भी समझ आता था, लेकिन इस घटना ने फिर हम सबको वहीं का वहीं पहुंचा दिया है। तो इसको देखते हुए तो नहीं लगता है कि कुछ बदला है, इसका कारण भी है। शायद उस ड्राइवर ने भी कहा था, उस लड़की को धमकाया कि अगर ज़्यादा बोलेगी तो मैं, निर्भया वाला केस याद है, मैं वैसे ही कर दूँगा, मतलब पेट में डाल दूँगा। तो इसका मतलब है कि निर्भया का केस उसको याद है, कि उसको ये भी पता है कि जब निर्भया जैसी इतनी बड़ी भयावह केस में अब कुछ नहीं हुआ तो हम किसी का जान थोड़ी ले रहे हैं, मर्डर थोड़ी कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनना बिगड़ना है। तो मतलब किसी तरह से देखा जाए तो किसी के मन में कोई ऐसा डर नहीं है जिससे किसी को कुछ ये सोचने के मजबूर होना पड़े कि नहीं चलो हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए हम समझते हैं कि बदलाव नहीं है। The last major verdict in the case had been when in September 2013, 9 months after the crime, a fast-track court sentenced four to death. One had earlier committed suicide in jail and one was found to be a juvenile and is serving out a three-year sentence in a remand home. Not much has happened since. The father tells us that sadly cases by and large in such cases are pending and justice is far-fetched. नहीं, कानून तो ठीक है, बदला हुआ है और जो घटनाएं होती है अक्सर लड़कियां जा करके अपना रिपोर्ट भी लिखवाती हैं, तो ये सब देखने में लगता है कि बदल गया है, लेकिन जहां तक व्यवस्था की बात है तो हमारे को सबसे बड़ी दुखी इस बात का है कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो शायद बहुत बहुत ही स्लो में चल रही है। अगर सही मायने में अपना काम करती तो ये सब घटनाओं पे ब्रेक लगाया जा सकता था। कोई भी केस सालों साल पड़ी रहती है, महीना हो महीना, दो महीना, चार महीना, साल, सालों में बदल जाती है, लेकिन उसका कोई डिसीजन नहीं आता है। आप लोग तो हमेशा देखते होंगे, जनवरी 2014 से लेकर दिसंबर बीतने को है, इसमें जितनी केसें हुई हैं हमारे हिसाब से किसी एक भी मुजरिम को कोई सजा नहीं मिली है। Reports suggest that 40 crimes against women are reported daily by Delhi police. 4 of them are rapes. For the father who once sold his ancestral land so that he could finance the education of his daughter, life has been kind. From a loader working double shifts, he these days works on an easier desk job. But burdened by tragedy, he asks what good has a fast track court done. कानून के पास कोई व्यवस्था नहीं है अपने। अगर व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कानून जितना बना है उतना ही हमारे पर्याप्त है, बहुत है। किसी भी घटना को रोकने के लिए कानून की कमी नहीं है, किसी भी एंगल से आप देख लीजिए कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, सब इस सिस्टम अपना काम कर रहा है, लेकिन व्यवस्था न्याय क्या काम कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में है, पता नहीं 6 महीने से ऊपर हो गया, कोई डेट भी नहीं पड़ा, अब कब पड़ेगा, इंतज़ार तो हमें भी है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो चाहे कोई सा कोर्ट हो, कोई उसका वो फायदा नज़र नहीं आता है। द पेरेंट्स ऑफ निर्भया हैव एस्टैब्लिश्ड अ ट्रस्ट इन हर मेमोरी। दे नाउ प्लान टू टेक लेसन्स फ्रॉम देयर पर्सनल ट्रेजेडी एंड हेल्प दोज हु सफर इन द हैंड्स ऑफ टॉर्मेंटर्स हु वायलेट वुमेन। व्हाइल द वर्ल्ड कॉल्स द गर्ल दिल्लीज ब्रेव हार्ट, पीपल स्टिल आस्क द पेरेंट्स व्हाट देयर डॉटर वॉज डूइंग लेट इन द नाइट and how she dared to enter such a bus. The good Samaritans that the couple are, they plan to help the people in their hour of need. एक अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसमें इस तरह की कोई भी घटनाएं होती है, कोई भी लड़की के साथ है, किसी महिला के साथ, तो कुछ हमारी एक टीम है, ये क्या बोलते हैं, वकीलों की बनाए हुए हैं, वो उनको फ्री मतलब की सलाह देंगे, जरूरत पड़ी तो हम ट्रस्ट भी उनके तरफ से लड़ेगा, जो भी करना होगा करेगा, तो उनके हेल्प के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे।